सीबीआई टीम फिलहाल अस्पताल के अंदर पहुंची है। यहां पर बंगाल पुलिस की, कोलकाता पुलिस की एक फॉरेंसिक टीम पहले से जो साक्ष्य हैं उस संबंध में जो है वो वहां पर कुछ और एविडेंस के संबंध में गई हुई है, और सीबीआई की टीम अभी फिलहाल इस अस्पताल के अंदर पहुंची है। और जो आप कह सकते हैं कि जहां तक जांच का सवाल है, सीबीआई जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो भी इस जो बलात्कार हत्या का जो मामला है उसके संबंध में जो भी पहलू हैं उसके बारे में वो जांच कर रही है, साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की टीम भी उनको असिस्ट कर रही है। लेकिन जहां तक ये अस्पताल के बाहर की स्थिति है तो यहां पर लोग अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल देखा ना क्या हुआ है, यहाँ हुलीगन्स आ रहे हैं, मारपीट करके जा रहे हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ के जा रहे हैं, सब पुलिस भी कुछ काम नहीं करी, पुलिस छुप रही है वहाँ पे, तो क्यों ना करे प्रोटेस्ट, चलता रहेगा जब तक ना हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है तब तक चलता रहेगा। निश्चित रूप से जो पूरा माहौल है काफी सरचार्ज है, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन कल रात की जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार के विधि व्यवस्था जो पुलिस की जो लापरवाही है उसको उसने उजागर किया है, क्योंकि जो भी हुआ वो पुलिस की सब मान रहे हैं कि जो राज्य पुलिस है, जो कोलकाता पुलिस है, उसके लैप्स के कारण ये हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच शुरू होगा और जिस तरीके से इस पूरे मामले में जब तक दोषियों को हर दोषी गिरफ्तार नहीं हो जाता है, लोग जो हैं जो इस मामले में आंदोलन कर रहे हैं वो जांच से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब तक माहौल जो है इसी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस मामले में जो है मामले पूरी तरीके से उत्तेजना जारी रहेगी। कोलकाता से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।